हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केएलडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन, जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि हम जो भी 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित होता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अग्नाशय किसे स्रावित करता है। दोस्तों अग्नाशय किसे स्रावित करता है दोस्तों? तो हमारे ऑप्शन है दोस्तों, चार ऑप्शन है, इंसुलिन, पित्तसार, लार या पाचन सार। दोस्तों तो अग्नाशय किसे स्रावित करता है दोस्तों? तो ये इंसुलिन को स्रावित करता है दोस्तों। अग्नाशय इंसुलिन को स्रावित करता है दोस्तों। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता है इंसुलिन स्रावित होता है दोस्तों, तो कहाँ से होता है दोस्तों? तो अग्नाशय से दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको आंसर देना है दोस्तों। अगर पूछ ले अग्नाशय किसे स्रावित करता है, तो इंसुलिन को। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं दोस्तों? तो जो नवजात शिशु होते हैं उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो उनमें होती है हड्डियों की संख्या 300 होती है। कितनी दोस्तों? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होता है दोस्तों। जबकि एक वयस्क पुरुष में दोस्तों 206 से 208 हड्डियाँ होती है दोस्तों। तो नवजात की बात करेगा तो 300, और वयस्क पुरुष की बात करेगा दोस्तों तो 206 या 208। अगर 206 के जगह नहीं दिया, 208 दिया दोस्तों, तो 208 मारेंगे। ये नहीं कि हमें 206 पता है तो 208 कहाँ से आ गया दोस्तों, और नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज मार दे दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर 206 या 208 में से कोई एक है तो उसको मारना है। और जब यहाँ बात नवजात की कर रहा है दोस्तों, तो नवजात में 300 हड्डियाँ होती है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं दोस्तों, मछली कहाँ से सांस लेती है दोस्तों? मछली कहाँ से सांस लेती है दोस्तों? तो मछली सांस लेती है दोस्तों, कहाँ से लेती है दोस्तों? गलफड़े द्वारा। कहाँ से दोस्तों? गलफड़े द्वारा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों अधिकतर जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो गलफड़े द्वारा सांस लेते हैं दोस्तों। मेंढक भी गलफड़े द्वारा सांस लेता है, मछली भी, और हम फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। मनुष्य की बात करेगा दोस्तों, तो मनुष्य फेफड़े द्वारा सांस लेता है, जबकि मछली या मेंढक गलफड़े द्वारा सांस लेता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देख लेते हैं, आलू किसका संशोधित रूप है दोस्तों? तो आलू मतलब कैसे प्राप्त किया जाता जाता दोस्तों? तो आलू प्राप्त किया जाता है तने से दोस्तों। कहाँ से? तने से दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। आलू हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ दोस्तों, ये सब तनों से प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं दोस्तों? हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं दोस्तों? तो हमें पता है दोस्तों, बिना प्रकाश के ये हरे पौधे भोजन नहीं बनाते दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हरे पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश में दोस्तों, प्रकाश में, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है, हरे पौधे भोजन बनाते हैं केवल दिन में, दिन और रात में, रात में, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो जब भी बात करेगा कि पौधे, तो केवल दिन में दोस्तों, बिना सूर्य के प्रकाश के ये पौधे, हरे पौधे अपना भोजन नहीं बनाते दोस्तों। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे हमें सही करके आना दोस्तों। तो हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? प्रकाश की। और पूछ ले हरे पौधे कब भोजन बनाते हैं? तो केवल दिन में भोजन बनाते हैं, रात में हरे पौधे भोजन नहीं बनाते, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं, भ्रूण किसमें बनता है दोस्तों? तो भ्रूण किसमें बनता है दोस्तों? जाहिर सी बात है दोस्तों, बीज में हमारा जो है भ्रूण बनता है दोस्तों। क्या बनता है? बीज में हमारा भ्रूण बनता है दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बीज में क्या बनता है दोस्तों, तो चार ऑप्शन दे देगा दोस्तों। तो बीज में भ्रूण बनता है, या भ्रूण का किसमें बनता है? बीज में बनता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला दिखा बताते हैं दोस्तों, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो ये हमारा प्रणाली की स्वपोषी क्रिया दोस्तों। कौन सी क्रिया है? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देख लेते हैं, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है दोस्तों? तो पौधे का कौन सा भाग होता है जो फूल बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मतलब उद्दीपन ग्रहण करता है दोस्तों? तो कौन सा होता है दोस्तों? पत्तियां होती हैं, पर्ण होती है दोस्तों। जो पत्तियां होती हैं यही फूल बनती है दोस्तों, यानी पर्ण जो होती है ये फूल बनती है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता दोस्तों? तो किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता दोस्तों? एंजाइम हमारा होता है दोस्तों, एंजाइम का निर्माण होता है, प्रोटीन का भी होता है, हार्मोन्स का भी होता है दोस्तों। तो
तो किसका नहीं होता दोस्तों, तो विटामिन ए का निर्माण नहीं होता दोस्तों। तो विटामिन की खोज दोस्तों फंक ने की थी, विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी दोस्तों। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, गाजर है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग दोस्तों रतौंधी है दोस्तों, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है दोस्तों। तो इतना क्वेश्चन हम विटामिन ए से इतने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, जितना हमने आपको बता दिया दोस्तों। अगला दोस्तों एनोसमिया कहते हैं दोस्तों, एनोसमिया क्या है दोस्तों, तो एनोसमिया है घ्राण संवेदना की कमी को दोस्तों, एनोसमिया कहते हैं दोस्तों घ्राण संवेदना की कमी को, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, घ्राण संवेदना की कमी को एनोसमिया कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, तितली पंछी और चमगादड़ के पंख है दोस्तों, तितली पंछी और चमगादड़ के पंख है दोस्तों, ये हमारे हैं संवृत्ति अंग, कौन सा दोस्तों संवृत्ति अंग है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देख लेते हैं, सर्प के विष दंत हैं दोस्तों, जो हमारा सर जो सांप होते हैं दोस्तों, तो सांप मतलब जो इनका विष होता है दोस्तों, ये किस दांत में पाया जाता है दोस्तों, तो ये पाया जाता है जंभिका दंत दोस्तों, किसमें जंभिका दंत, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट आंसर जंभिका दंत जो होता है विष दंत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है दोस्तों, तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा लाइकेन दोस्तों, क्या हो जाएगा लाइकेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है दोस्तों लाइकेन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं, एटीपी है दोस्तों, एटीपी है दोस्तों, पहले एटीपी का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों, एटीपी का फुल फॉर्म बताइए, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट दोस्तों, क्या होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट हमारा एटीपी का फुल फॉर्म होता है, एटीपी का फुल फॉर्म बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया दोस्तों, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और इस एटीपी क्या होता है दोस्तों उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु होता है दोस्तों, क्या होता है उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, राइबोसोम केंद्र है दोस्तों, राइबोसोम केंद्र है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो बताइए ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, कब दोस्तों 16 सितंबर को, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को दोस्तों। दोस्तों अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए दोस्तों, और हाँ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, दोस्तों वीडियो जरूर शेयर कर दिया कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहजीविता का उदाहरण है दोस्तों, तो सहजीविता का उदाहरण दोस्तों हमारा लाइकेन होता है, क्या होता है लाइकेन होता है जो सहजीविता का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देख लेते हैं, ब्रायोफाइट्स है दोस्तों, ब्रायोफाइट्स क्या है दोस्तों, तो ब्रायोफाइट्स वे होते हैं जो जल और पानी दोनों में रह ले दोस्तों, स्थल में भी रह ले और जल में, यानी उससे क्या कहते हैं उभयचर कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा ब्रायोफाइट्स हैं दोस्तों उभयचर, जो जल और स्थल दोनों जगह रह ले। अगला देख लेते हैं दोस्तों, जोंक अपने शिकार से लगातार रक्त प्राप्त करता है दोस्तों, तो ये किससे प्राप्त करता है दोस्तों, तो हीरोडीन नाम हीरोडीन को उसमें उड़ेल कर दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, दोस्तों उनके पास एक होता है हीरोडीन होता है, हीरोडीन होता है जिसको उसमें मतलब एक डंक होता है दोस्तों, जो हमारे मतलब शरीर में चुभा देते हैं, और चुभाने के बाद ये ब्लड को लगातार पाते रहते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला दोस्तों, गुणसूत्रों में होता है दोस्तों, तो गुणसूत्रों में क्या होता है दोस्तों, तो गुणसूत्रों में होता है डीएनए आरएनए स्टोन तथा एस्टोनी प्रोटीन होता है दोस्तों, तो डीएनए का फुल फॉर्म डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। साधारण वायु प्रदूषक नहीं है दोस्तों, तो कौन सा इसमें वायु प्रदूषक नहीं है दोस्तों, तो वायु को प्रदूषित कौन नहीं करता दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड भी करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी करता है, और
कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है? हाइड्रोकार्बन है, जो वायु प्रदूषण, साधारण वायु प्रदूषक नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका उपयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था दोस्तों, तो किसका हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था हमारे तंबाकू का। किसका दोस्तों? तंबाकू का, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। पूछता है दोस्तों, जीएस में क्वेश्चन पूछता है कि तंबाकू का उत्पादन सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो सर्वप्रथम किया था पुर्तगाली ने। किसने दोस्तों? पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम तंबाकू का उत्पादन किया था, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला, जींस के बने होते हैं दोस्तों, तो जींस से बने होते हैं दोस्तों। जींस किन से मिलकर बने होते हैं? तो पॉली न्यूक्लियोटाइड से दोस्तों। पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, हमारे जींस बने होते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला, कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है दोस्तों, तो कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या होता है दोस्तों? ग्लाइकोजन होता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग क्या है दोस्तों? तो हमें जाहिर सी बात दोस्तों, अपवर्तनांक किसमें होता है दोस्तों? लेंस का अपवर्तनांक वगैरह होता है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? लेंस हो जाएगा दोस्तों। इसको आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों, लेंस वगैरह में हमारा अपवर्तनांक वगैरह देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा लेंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देख लेते हैं। एंजाइम होते हैं दोस्तों, एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि गलसुमना, मतलब गांव में उसको गलसुना बोलते हैं, तो गलसुआ यानी मम्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है दोस्तों। तो ये हमारे जो कान के पास एक ग्रंथि होती है दोस्तों, वहाँ पे ये सूजन पैदा करता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, जो कान में पाई जाती है दोस्तों, जीवाश्म पाए जाते हैं दोस्तों। तो जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं? औषधीय शैलों में पाए जाते हैं हमारे जीवाश्म, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है दोस्तों? जल में घुलनशील पदार्थ कौन सा दोस्तों? दूध भी घुल जाता है दोस्तों, शहद भी घुल जाता है, और एल्कोहल भी घुल जाता है। एल्कोहल मतलब शराब, ये भी घुल जाता है दोस्तों, शहद भी घुल जाता है, और दूध भी। तो हमारा जो ये तेल होता है दोस्तों, ये कभी कभी आप देखिए ना, तली पे तैरने लगता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है हमारा क्वेश्चन है, त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है दोस्तों, तो त्वचा पे से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है दोस्तों? तो ये होता है 400 मिलीलीटर। कितना दोस्तों? 400 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर जो होता है ये वाटर हमारे त्वचा से खर्च होता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।